सो द कॉम्पोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल की खासियत होती है ये सेल वॉल है विच इज मेड अप ऑफ व्हाट. मैंने दोनों को देखी कर रही हूं ये ना इसमें अच्छे हैं पेप्टिडो ग्लाइकन ये तो लिख देते हैं ना एंड एसिटाइल नैग ये जो जेईट वाला नैग इसके अलावा आपके जो पूरे इसके ऊपर एक कदितवरदान सिंह है एक्स्ट्रा लेयर होता है से हम ग्लाइकोकैटेक्स बोलते हैं. इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है डायटम्स आपको पता है ट्राइसोफाइटा पर इसने अच्छा परफॉर्म किया पिछली बार ठीक है. माइक्रोस्कोपिक है फ्लोटेंट ठीक है लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसमें हमने नीड करनी नहीं है उसको डाल दो आप इसका भी नाम प्रोड्यूसर्स इन ओशन बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है इसकी इजीली डिस्ट्रक्टेबल है द इम्परफेक्ट फंगस एनसीईआरटी की लाइन इसका है ड्यूटेरोमाइसिस ठीक है. दिस इज कॉल्ड क्लब फंगस इसमें मशरूम है एंड फाइकोमाइसिस फिर आप इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ. न्यूरोस्पोरा बिल्कुल ठीक है जेनेटिक्स में काम आती है पेंसिलिन से दवाई बनती है. यीस्ट इज यूनिसेलुलर साइकोमासिस सेरिवेसी आंतरिक सन्नी ये क्या 796 सो दिस इज द आंसर. ये एडिबल होते हैं दीज आर एडिबल मशरूम्स. A capsule is advantage to bacterium. Capsule क्या होता है? Cell wall के ऊपर. हाँ ये mat में form कर रहा तो इसको मैंने garden में add करना. ये आ गया glycocalyx. अगर ये thick है, NCERT कहती है इसे क्या बोलते हैं capsule? मुझे पाती आपको. अगर ये thin है, ये double. This is your slimy layer. ये मंथन ये तो ऑलरेडी है नीलाक्षी ये भी आ गया इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फॉर डेसिकेशन प्रोटेक्ट्स द मींस ऑफ लोकोमोशन का तो हो नहीं सकता हाइड फ्रॉम द नो अटैचमेंट के लिए फिम्ब्रे होता है इसका बेस्ट आंसर है. द मोस्ट एब्यूटेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन कैटेगराइज एज नो हेटरोट्रॉफिक होते तो दूसरे पे डिपेंड करे आर के बैक्टीरिया भी नहीं साइनो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ये है ये डेली बेस पर ये है रुद्र प्रताप सिंह इट वुड बी कैमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया की होगी इसका आंसर आएगा सॉरी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैमियोसिंथेटिक नहीं आएगा ये क्वालिटी है पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म डिजीजेस ह्यूमन बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो राइजोपस इज अ फंगस विच इज अ मोल्ड ये भी सम हाइपरथर्मोफोलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच 2 हैबिटेट्स बिलोंग्स टू टू ग्रुप्स कितने ऐड करने ब्रायोफाइटा होता है प्रोटिस्टा साइनोबैक्टीरिया डायटम प्रोटिस्टा तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा इसका बैक्टीरिया एनआर के बैक्टीरिया ठीक है
ठीक है ये मुनेरा के अंदर आएंगे ना उस नामी ना यहाँ पे एक दो Pick the correct combination of statement 1 to 4 regarding the characteristics of some entities. Methanogens are archaebacteria that produce methane in marshy areas. Nostoc is filamentous globulin alveoli which fixes. Chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose from glucose. And mycoplasma like cell wall and can survive without oxygen. मेरे हिसाब से इसका first, second और fourth. Bacterial leaf blight of rice is caused by. इसका D. 10th का bacterial leaf blight of rice is caused by species 10th का आएगा Xanthomonas Pseudomonas नहीं आएगा ये नहीं आएगा Alternaria fungus होती है तो ये आंसर आएगा ठीक है मैंने थोड़े क्वेश्चन दिए 10 आप कर सकते हो आपके पास कोई बहाना नहीं हम नहीं कर सकते मैं 10 सिंपल से क्वेश्चन दे रही हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस अंडरस्टूड